सब्सक्राइब कीजिए बुटबुक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुटबुक जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया मॉडलर किचन का डिज़ाइन। अगर आपको जैसे मॉडलर किचन कम स्पेस में बनाना है, जैसे स्मॉल जो किचन होता है यू शेप में किस तरीके से बनाया जाता है, छोटा स्पेस है आपके पास, अगर किचन बनाना है आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से स्पेस रखना चाहिए अपना, और आपको जैसे बॉक्स बनाना, चिमनी भी लगानी है, बास्केट भी लगानी है, वो किस तरीके से लगाना चाहिए, अगर आपको एक क्रोकरी यूनिट के लिए बनाना है तो वो कैसे बनाना चाहिए, कहाँ पर जगह अपनी निकालनी चाहिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं किचन। अगर आपको जैसे एक डिज़ाइन देखना किस तरीके से रखना चाहिए मॉडलर किचन का डिज़ाइन, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको किस तरीके से एक मॉडलर किचन बनाया जाता है, किस तरीके से अपने साइजेस रखने चाहिए। तो वीडियो में चलते हैं दोस्तों, वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखना, वीडियो में चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे किचन का डिज़ाइन बनाना, किस तरीके से बनाना चाहिए, तो अपना डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे कि आपको एक डोर में जगह बनानी है क्रोकरी के लिए, तो इस तरीके से ले सकते हैं, ये प्रोफाइल में डोर अपने इस तरीके से प्रोफाइल डोर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें अपना जैसे क्रोकरी के लिए, अगर आपको जैसे अपना गिलास वाला सामान, जो कांच वाला सामान रखना है, तो इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे अपना कप हो गया, प्लेट हो गए, और आप गिलास जो रखना अपना, तो इस प्रकार बना सकते हैं। एक अपना जैसे जगह बनानी है आपको, जैसे आपके किचन में नहीं जगह बनती तो मैं स्टोरी पहले जो आपको दिखा रहा हूँ क्रोकरी का, तो आपको पहले स्टार्टिंग में ही दिखा रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं इसमें लाइट, अगर आपको जैसे गिलास अपने डोर लगाने हैं, जैसे लाइट लगानी है, तो गिलास वाले डोर से रखते हैं। इसमें अपने सेल्फ लगते हैं, जैसे कि आप ये सेल्फ देख रहे हैं वुडन के लगा रखें, तो इसमें गिलास वाले लगाने पड़ेंगे आपको। बाहर अपना शीशा जिस कलर का लगाना है अपना गिलास, उस तरीके से ले सकते हैं, प्रोफाइल डोर है। इसके बाद अपना किचन का डिज़ाइन देख सकते हैं, जैसे कि आपको किचन बनानी है और ऊपर के बॉक्स इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि इसमें सेल्फ देख रहे हैं अपना खाने किस तरीके से बनाना चाहिए, तो एक जैसा सेल्फ है सामान किस तरीके से रखना चाहिए, तो हमारे हाइट के हिसाब से जैसे बॉक्सेस हैं, तो उस तरीके से अपने सामान के, जैसे हम इसके हाइट की बात करें, जैसे ये अपना 27 इंची है, 2 फिट है, 30 इंची होता है बॉक्स का साइज़, तो इस तरीके से एक बीच में सेल्फ ले सकते हैं। और इसमें जो बना रखे हैं ये हैंडल लेस है, जो अपने हैंडल लेस नीचे को अपने डोर निकाल रखा है, इस तरीके से हैंडल लेस बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि अपने दाल का बॉक्स हो गए, किस तरीके से रखना चाहिए, जैसे अपने मसाले के, तो इस तरीके से अपना एक बना सकते हैं। तो ये अपने जैसे ये फोल्डिंग भी है, जैसे आपको बड़ा सामान रखना है तो बड़ा सामान भी रख सकते हैं, इसमें आप निकाल कर और अपने यहाँ पर रख के, जैसे बड़ा सामान रखना है तो आप बड़ा सामान भी लगा सकते हैं। इधर कॉर्नर में इस तरीके से अपने जगह यूज़ करिए, इस तरीके से बना सकते हैं कोने में अपने, जैसे आपको देख रहे हैं इसमें स्पेस, इस तरीके से ले सकते हैं और इधर भी अपना ये लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ से अपना कोना जैसे कि यूज़ हो गया, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये अपना इस तरीके से बना सकते हैं, और आपको जैसे ये देख रहे हैं इधर भी अपना ये दो डोर इस तरीके से बना रखे, दो डोर इस तरीके से अपने खुल जाते हैं, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और अपने चिमनी जैसे आपको ढकना है तो इस तरीके से ढक सकते हैं, ये 2 फुट की चिमनी है और आप ले सकते हैं। इसकी जैसे हम हाइट की बात करें तो 30 इंची 33 इंची इस तरीके से हाइट रखी जाती है स्लैब से, उधर भी 2 डोर लगा रखे हैं और इसमें बीच में सेल्फ है, और इधर खिड़की है, जो हमारी खिड़की साफ़ट के हिसाब से जैसे अगर आपके किचन में आती है, तो इस तरीके से यू शेप में अगर आपके किचन है इस तरीके से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपको एक आरओ की जगह है कहाँ पर लेनी चाहिए, अगर आपकी आरओ की जगह नहीं मिली, जैसे कि हमने इधर डिश लगा रखा अपना बर्तनों वाला, तो यहाँ पर जगह नहीं बनी, तो इस तरीके से अपना एक आरओ इधर भी लगा सकते हैं साइड में, अगर आपको इधर लेना है साइड में, अगर आपके पास स्पेस है तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एक किचन बनानी है यू शेप में किचन है, इधर से अपना नीचे से अपना डिज़ाइन देख सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा स्लैब कम था, तो उसके बाद ये कि कैबिनेट यहाँ पे बनाया था, इस तरीके से ले सकते हैं। और इसमें भी बीच में सेल्फ लगा रखा है, जैसे कि आपको सामान है, एक सेल्फ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि छोटा सामान होता है उस तरीके से अपना लगा सकते हैं। ये हैंडल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जो अपना हैंडल है ऊपर से लगा रखें, और ये बोतल प्लाउट आपके पास स्पेस मिलता है तो इस तरीके से, जैसे कि आपने बना लिया बॉक्स तो उसमें 8 इंची 6 इंची का बनता है, तो बोतल प्लाउट लगा सकते हैं। ये दीवार है, दीवार को बंद कर रखा, जैसे कि दीवार होती है किचन में, तो जैसे ये आ जाता है, तो पुरानी किचन है, तो इस तरीके से इसको रेनोवेट किया, तो इस तरीके से अपना बना सकते हैं। जैसे आटे के लिए अगर आपके पास जगह नहीं बनती आटे की, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो गैस है, पाइप वाली गैस है, गैस सिलेंडर वैसे नहीं है यहाँ पर, जो पाइप वाली गैस है। और ये बर्तनों के लिए आपको इनोटेक बास्केट लगानी, इस तरीके से लगा सकते हैं, और ये देख सकते हैं इसमें बड़े बर्तनों के लिए आप इस तरीके से एक बड़ी बास्केट बना सकते हैं, उसके बाद छोटी बास्केट ये आप ना देख सकते हैं। ये जो बास्केट लगा रखी है फ्लूट कंपनी है, ये अपना कटलरी आप इस तरीके से ले सकते हैं। इनका जो साइज़ है इस तरीके से, जो साइज़ है 450 mm है,
अगर आपको सबसे कम जो साइज़ होता है इनोटेक का 450 mm होता है, उससे कम नहीं होता। इस तरीके से अपना बना सकते हैं, जैसे बर्तनों के लिए अपना बड़ा बास्केट हो गया, तो इसमें जैसे आपको जितने बड़े बर्तन लगाने उस तरीके से एक बास्केट लगा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कोने में जगह, अगर आपको जैसे ज़रूरत नहीं है एस क्राउज़र की, तो आप इस तरीके से कोने में जगह बना सकते हैं और इसको लगा सकते हैं, ये अपना कोने का। और ये अपना सिंक के नीचे आप इस तरीके से अपना बना सकते हैं। सिंक के नीचे आपको जो लगाने डोर इस तरीके से लगाने हैं, जिसमें कि आपका सिंक, जो सिंक होता है सिंक के हिसाब से, जैसे ये डोर अपने जितनी हाइट पर होता है इस तरीके से नीचे से गैप छोड़ना होता है, जगह आपकी उठी रहनी चाहिए हवा पास, एयर पास होने के लिए जो हवा पास होती रहती है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो इसका बीम है थोड़ा सा मोटा लेंटर वाला जो पत्थर के नीचे होता, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको जैसे छोटा किचन है 5x6 का या 6x6 का, अगर इस तरीके से अपना एक किचन होता तो छोटा, इसकी हाइट है ऊपर बॉक्स की, ऊपर भी डिज़ाइन बना रखा इस तरीके से आप देख सकते हैं। चिमनी के लिए पाइप अलग से रख रखा, क्योंकि ऊपर तक किचन नहीं बनाया, ऊपर छत तक नहीं बनाया, तो इस तरीके से आप एक बना सकते हैं। जैसे पाइप की जगह ढकनी है तो वो ढकनी ज़रूरी होती है, पाइप नज़र आता है तो अच्छा लगता है देखने में, इस तरीके से किचन बना सकते हैं। ये आपका डोर लगा सकते हैं, जैसे कि आप अगर सर्विस करनी है कि इसकी चिमनी की तो कर सकते हैं, हालिका कंपनी की है। और ये अपना लाइट लगा रखी है, प्रोफाइल लाइट, ये देख सकते हैं इधर प्रोफाइल लाइट है, जिसमें पीछे की साइड ये अलग से लगा रखी है, एक वुडन की पट्टी लगा के उसमें अपनी प्रोफाइल लाइट लगा रखी है। ये पीछे जैसे आपको लाइट की ज़रूरत है, बीच में लगानी है पीछे लगानी है, तो उस तरीके से एक लगा सकते हैं। इसके हम हाइट की बात करें तो ये जैसे हमारा बॉक्स हाइट होता, इसकी जो हम हाइट की बात करते हैं 27 इंची 24 इंची, दो साइज़ होते हैं, उससे ज़्यादा नीचे करते हैं तो वो किचन छोटा नज़र आता है, स्पेस नहीं दिखता, तो एक खुला किचन नज़र आना चाहिए। जैसे छोटा किचन है तो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू। ये जैसे पुराने बॉक्स थे, पुराने बॉक्सों को यूटिलाइज कराया हमने रेमोनेट करके, और ये अलग से पट्टी लगाई ताकि अच्छी लगे, लुक अच्छी आए इसकी। और ये शायद जैसे छोटी थी काफ़ी, इनको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, इनको ओवन वगैरह रखना था, माइक्रोवेव वगैरह, तो ये अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया है। और ये बहुत अच्छी मतलब किचन बन गई है इनकी यूज के हिसाब से, छोटी फैमिली के हिसाब से 7x6 की किचन है, बहुत बढ़िया किचन।